बिहार की राजनीति से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र की मोदी सरकार द्वारा बिहार के डिप्टी सीएम और लालू के लाल तेजस्वी यादव को गिरफ्तार करने का प्लान बनाया जा रहा है। संभवतः यही कारण है कि लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी का नाम नहीं होने के बाद भी ताबड़तोड़ उनके ऊपर कार्रवाई की जा रही है और उनके आवास पर छापेमारी की जा रही है। ऐसी संभावना व्यक्त की जा रही है कि बिहार में जदयू और राजद के गठबंधन को तोड़ने के लिए केंद्र सरकार किसी भी हथकंडे को अपना सकती है। आसान भाषा में कहा जाए तो तेजस्वी यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा सकता है। परिस्थिति अगर बनती है तो उनकी पत्नी को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है। बिहार का सियासी तापमान चढ़ा हुआ है। राजश्री के ताजपोशी की तैयारी हो रही है। ईडी के रेड से बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई है और सियासी गलियारे में कई तरह की अटकलें तेज हो गई है। कहा तो ये भी जा रहा है कि तेजस्वी को जेल भेजा गया तो राजश्री की ताजपोशी कराई जा सकती है। वैसे अब ललन सिंह पर ईडी की तिरछी नजर होने वाली है, ऐसी खबर भी निकल कर सामने आ रही है। जमीन के बदले नौकरी मामले में ईडी ने जिन 24 ठिकानों पर छापेमारी की, इसको लेकर ईडी की ओर से ट्वीट भी किए गए, जिसमें 1 करोड़ नगद, 540 ग्राम सोने का बिस्किट और 1.5 किलो सोना के जेवरात बरामद हुए और 600 करोड़ रुपए के करीब का घोटाला हुआ है। देखा जाए तो 2017 में भी इसी तरह की छापेमारी हुई थी, लेकिन 2020 तक जांच चला, जिसमें लालू प्रसाद के कई रिश्तेदारों से पूछताछ भी हुई थी और इसमें कई लोग जेल भी भेजे गए थे, जिस संपत्ति को बेनामी घोषित किया गया था। अभी तक उस संपत्ति का क्या हुआ कुछ पता नहीं है। बता दें कि 6 वर्ष में अभी तक जमीन के बदले सिर्फ 12 लोगों को सीबीआई खोज पाई है, जिसे रेलवे में नौकरी हुई है, लेकिन उन 12 पर कुछ कार्रवाई हुई या नहीं हुई है स्थिति स्पष्ट नहीं है। साथ ही नौकरी तो मंत्री के दस्तखत से ही मिलता है, ऐसे में जिन अधिकारियों ने नौकरी दिया उन पर क्या कार्रवाई हुई है यह भी स्पष्ट नहीं है। कई ऐसे सवाल है जिस पर जांच एजेंसी खामोश है। अब देखना यह है कि 2017 में तो लालू नीतीश का गठबंधन टूट गया था और इस बार अब क्या होने वाला है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं।